जो चीजें तुम अभी कर रहे हो ठीक है अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल तुम ड्रॉपर हो ठीक है जो चीजें तुम अभी कर रहे हो वही तुमने पहले करी थी एंड जो चीजें तुमने पहले करी थी वही तुम अभी कर रहे हो देन हाउ इट्स गोना मेक अ डिफरेंस ठीक है कुछ डिफरेंस तो है ही नहीं ना अगर जो चीजें तुम अभी कर रहे हो वही तुमने पहले करी थी उन चीजों से तुम्हारा सिलेक्शन से होना होता तो पहले हो जाता पहले सिलेक्शन नहीं हुआ दैट मीन्स नाउ यू हैव टू चेंज समथिंग बट अब वो चेंज समथिंग में क्या है ऑब्वियसली यू हैव टू चेंज योर पैटर्न ऑफ स्टडी ठीक है जिस तरीके से तुम पढ़ रहे हो क्योंकि चीजें तुम्हें याद नहीं रह पा रही है या फिर याद रह भी पा रही हैं तो तुम उन्हें टाइमली इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो तो यार देखो इन पंद्रह दिनों के लिए मैं तुम्हें जो जो करने के लिए कहती हूँ ना एक बार उसको डेडिकेटेडली फॉलो करके देख लो आई प्रॉमिस तुम्हें फर्क दिखेगा एंड अगर तुम्हें फर्क नहीं दिखता है तो भाई मत करना पंद्रह दिन बाद ठीक है ऐसा थोड़ी ना कि कोई तुम पे थोप दे रहा है तुम्हें करना ही करना पड़ेगा नहीं इट्स कम्प्लीटली योर कॉल बट अगर पंद्रह दिन कर रहे हो तो अच्छे से करना अगर तुमने मान लो पंद्रह दिन मैंने तुम्हें जो जो कर कहा वो तुमने किया ही नहीं कल को तो तुम मुझे ही कहोगे कि दीदी ने तो कहा था हमें तो हमें तो कुछ बेनिफिट मिला नहीं जो जैसे-जैसे मैं कहूंगी वैसे वैसे तुम्हें करना पड़ेगा तो यार देखो सबसे पहले ना जब मैं भी नीट की प्रिपरेशन कर रही थी तो मैंने अपनी नीट की प्रिपरेशन को चार स्टेप्स में डिवाइड करा था तो सबसे पहला स्टेप तुम्हारा रहेगा सिलेबस को कम्प्लीट करना सेकेंड स्टेप रहेगा नोट्स बनाना थर्ड स्टेप रिविजन करना एंड फोर्थ स्टेप टेस्ट देना ठीक है इन चार स्टेप्स के अंदर तुम अपनी नीट की प्रिपरेशन को डिवाइड करने वाले हो यार देखो अब ये जो तुम्हारी चार चीजें हैं ना ये जितना तुम्हारा बचा हुआ टाइम है उसके अंदर तभी कंप्लीट हो पाएंगी जब तुम अपना एक एक अच्छा टाइम 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 टेबल 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 बनाओ एंड उस टेबल को फॉलो करो ठीक है सिर्फ एक टेबल बनाना इनफ नहीं है अगर वो डेली फॉलो ही नहीं हो पा रहा है तो यार देखो जो नीट में सिलेक्शन होता है ना वो सिर्फ इस बेसिस पे नहीं होता कि तुम्हें नॉलेज कितनी है ठीक है तुमने पढ़ा कितना है अगर तुम मान लो तुम तुम पे नॉलेज बहुत ज्यादा है ठीक है रट्टू तोते की तरह तुमने सारी की सारी जो किताबें हैं फिजिक्स

इन सारी चीजों पे डिपेंड करता है नहीं यार देखो अगर तो, तो तुम फ्रेशर हो ड्रॉपर हो या फिर हो इस चीज से फर्क नहीं पड़ता है अल्टीमेटली ये तीनों कैटेगरी के बच्चे एक सेम एग्जाम दैट इज नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं क्योंकि मैंने बहुत बार ये कहते हुए सुना लाइक पार्शल ड्रॉपर्स कहते हैं कि हमें तो पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता जितना ड्रॉपर्स एंड फ्रेशर्स को मिल जाता है फ्रेशर्स कहते हैं कि यार हमारे तो साथ में इलेवंथ एंड ट्वेल्थ के एग्जाम्स भी हैं एंड जो ड्रॉपर्स हैं वो तो सेम चीज तीन चार सालों से पढ़े जा रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारा सिलेक्शन तो कैसे हो पाएगा तो यार देखो तुम ये सब जो है ना ये प्योरली

प्रॉब्लम तो है सबके साथ जस्ट नजरिए की है बात तो इस चीज को अपने दिमाग में रखो तो यार देखो अब तुम्हें इन पंद्रह दिनों के अंदर करना क्या है तो तुम्हें कोई भी छह चैप्टर्स उठाने हैं ठीक है थीके? दो तुमने लिए बायो के दो फिजिक्स के दो केमिस्ट्री के ठीक है तुम्हें कोई भी छह चैप्टर्स उठाने हैं एंड क्योंकि तुम्हारा पहला पंद्रह दिन का चैलेंज है तो तुम अपने हिसाब से कोई भी चैप्टर उठा सकते हो यूजअली आज से कि अगर तुम दो चैप्टर बायो, बायो के ले रहे हो तो एक ईजी लो एक डिफिकल्ट लो बट ठीक है अभी तुम्हारा फर्स्ट टाइम है तो तुम अपने अकॉर्डिंग कोई भी छह चैप्टर्स उठाओ अब तुम्हें क्या करना है इन छह चैप्टर्स को जो मैंने तुम्हें चार हेडिंग्स बताई है सिलेबस नोट्स रिविजन एंड टेस्ट इन चार हेडिंग्स के अंदर तुम्हें इन छे चैप्टर्स को कंप्लीट करना है इससे क्या होगा कि पंद्रह दिन के अंदर तुम्हारे छह चैप्टर्स पूरे हो जाएंगे एंड अगर तुम्हारे एक बार पंद्रह दिन के अंदर छह चैप्टर्स पूरे हो जाते हैं एंड ये चीज तुम्हारे दिमाग में घुस जाती है की हाँ तो इससे क्या होगा कि पंद्रह दिन के बाद तुम्हारा खुद से मन करेगा अगले छह चैप्टर्स उठाने का एंड अगर तुम्हारे जो पहले वाला चैलेंज है ज्यादा ही अच्छा चला गया तो पंद्रह दिन बाद तुम्हारा मन क्या करेगा की छह की जगह आठ चैप्टर्स उठाऊँ नौ चैप्टर्स उठाऊ तो यार देखो अभी तीन आने में टाइम है एंड तुम्हें अभी से ही अपना क्या टारगेट बनाना पड़ेगा डेली का की तुम डेली दस से पंद्रह पेजेस एनसीआर के रीड करो उन्हें रिवाइज एंड उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो तो एनसीईआरटी टी अभी आज बैच लेके आया है पेज वाइज फिल्टर जिसके अंदर की तुम एनसीईआरटी के किसी भी पेज पे फिल्टर लगा के उस पेज के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो एंड तुम डिफिकल्टी लेवल भी खुद से सेट कर सकते हो साथ में तुम उन क्वेश्चन के वीडियो एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो एंड तुम क्वेश्चन को रिविजिट भी कर सकते हो यूजिंग द बुक फीचर जितने भी क्वेश्चन तुम्हारे गलत होते हैं वो तुम्हारे इनकरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी में चले जाते हैं जिसके अंदर की तुम एनसीईआरटी की हाईलाइटेड लाइन पे क्लिक करके उन क्वेश्चन को रि कर सकते हो एंड फर्स्ट

मेरे को याद है बहुत अच्छे से अपने ड्रॉप ईयर के अंदर बहुत सारे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के देखो बायो का एक चैप्टर ठीक है बायो के एक चैप्टर को एक दिन में निपटाना इज इजी ठीक है बट आई क्लियरली रिमेंबर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स थे लाइक कम से कम तीन चार चैप्टर फिजिक्स के एंड तीन चार चैप्टर केमिस्ट्री के होंगे जिन्हें मैंने एक दिन के अंदर पूरा कर दिया था लाइक फर्स्ट टाइम पढ़ना नोट्स बनाना रिवीजन करना मतलब रिवीजन तो क्या ही उसी दिन पढ़ा है लाइक फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के काफी चैप्टर्स थे लाइक like तीन चार चैप्टर फिजिक्स के एंड तीन चार चैप्टर्स केमिस्ट्री के जो मैंने एक दिन के अंदर पूरे कर दिए थे लाइक like उनको पढ़ना नोट्स बनाना एंड देन जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे प्रैक्टिस करना ठीक है तो काफी चैप्टर्स थे ऐसे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के जो मैंने एक दिन के अंदर पूरे कर दिए थे तो यार देखो छह चैप्टर्स अगर तुम्हें पंद्रह दिन में करने हैं ना तो ये कोई बेकार एवरेज नहीं है लाइक तुम एक चैप्टर को आराम से दो से तीन दिन दे सकते हो ठीक है इजी है तो कम दो दिन दे दो डिफिकल्ट है तो तीन दिन दे दो

चैप्टर्स उन्हें तुम कवर कर लो उनका सिलेबस कवर कर लो, उनके बना लो उनकी जितनी भी so कि कि किस तरीके से तुम अपने को चाहते हो, तुम एक एक चैप्टर करके उसका टेस्ट देना चाहते हो एक चैप्टर को दो से तीन दिन देना चाहते हो या फिर पहले सारे छह चैप्टर्स कवर करके फिर एंड में उनका साथ में टेस्ट देना चाहते हो एंड आई प्रोमिस ठीक है देखो मैं अगर तुम्हें ये कह रही हूँ कि ये छह चैप्टर्स तुम अपनी मर्जी से उठा सकते हो इजी उठाने इजी उठाओ डिफिकल्ट उठाने डिफिकल्ट उठाओ एंड मैं तुम्हें ये भी कह रही हूँ कि मैंने अपने टाइम पे बहुत सारे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के ऐसे चैप्टर्स थे बायो के तो थे ही थे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के भी ऐसे चैप्टर्स थे जो मैंने एक दिन के अंदर कवर कर दिए थे तो तुम्हारे लिए छह चैप्टर्स पंद्रह दिन में करना इज नॉट डिफिकल्ट ठीक है एक बार अगर तुम्हारा इंटरेस्ट डेवलप हो गया ना देखो यार पता क्या होता है पढ़ाई ना एक ऐसी चीज़ है जब तुम कर रहे होते हो तब तुम्हें कुछ खुशी नहीं मिलती बट जब तुम एक टेस्ट दे देते हो या जब तुम्हें उसका रिजल्ट मिलता है तब तुम्हें बहुत खुशी होती है और तुम बहुत सेटिस्फाइड फील करते हो सो आई एम टेलिंग यू कि अगर तुमने इन पंद्रह दिन के अंदर ना इन छह चैप्टर्स को बहुत अच्छे से करा ठीक है ये छह चैप्टर्स तुम्हें आ तो जाएंगे वो तो तुम्हारे बेनिफिट होगा ही बट पंद्रह दिन के एंड में ना तुम्हें इतना अच्छा फील होगा कि यार तुमने छह चैप्टर्स कर लिए तुमने इन डेज चैलेंज को कर कर लिया है पूरा जो काफी बच्चे नहीं कर पाएंगे ठीक है या बीच में छोड़ देंगे अगर स्टार्ट भी कर देंगे एंड तो, उसके बाद तुम्हें खुद से मोटिवेशन आएगी कि हाँ दीदी ने बोला था कि इन पंद्रह दिन में छह चैप्टर करना उसके बाद तुम दोबारा पंद्रह दिन का चैलेंज लेना एंड उसके अंदर तुम आठ या दस चैप्टर को टारगेट करना इससे क्या है कि तुम्हारा सिलेबस बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा तुम्हारे साइड बाय साइड नोट्स भी

मैं तुम लोगों को यही सजेस्ट करूंगी लाइक फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट कि यार एक बार इस फिफ्टीन डेज चैलेंज को करके देख लो ठीक है अगर तो तुम्हें फर्क दिखेगा ना तो पंद्रह दिन बाद तुम कमेंट सेक्शन में आके बता देना कि हाँ तुम्हें फर्क दिखा है यार देखो अच्छा अगर मान लो कि तुम इस फिफ्टीन डेज चैलेंज को कर रहे हो ठीक है ऐसा तो नहीं है ना कि तुम्हारा कहीं पे लॉस हो रहा है मान लो कि तुमने बीच में भी छोड़ दिया तो उससे पहले भी दो तो, दो से चार चैप्टर्स तो होंगे ना जो तुमने कवर कर ही लिए होंगे सो आई एम जस्ट टेलिंग यू की यार एक बार इस फिफ्टीन डेज चैलेंज को करके देखो तुम्हारे छह चैप्टर्स कवर होंगे वो अलग तुम्हें एक अलग जो मोटिवेशन मिलेगी तुम्हें लाइक खुद पे जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा वो अलग होगा ठीक है अब अगर तुम पहले पंद्रह दिन में छह चैप्टर कर दिए हो उसके बाद पंद्रह दिन में आठ या दस चैप्टर उठा रहे हो तो किस लिए क्योंकि तुमने पहले के पंद्रह दिन में जब छह चैप्टर्स को कर लिए तो तुम्हें खुद पे कॉन्फिडेंस आया तुम्हें कॉन्फिडेंट फील हुआ कि हाँ तुम कर सकते हो इट्स जस्ट कि तुम कर नहीं रहे हो ठीक है देखो यार भगवान ने हर एक इंसान को सेम बनाया है ठीक है कर हर कोई सकता है बट कुछ लोग कर पा रहे हैं एंड कुछ लोग नहीं कर पा रहे हैं ये डिफरेंस क्यों आता है क्योंकि कोई करने की कोशिश कर रहा है एंड कोई करने की कोशिश नहीं कर रहा है सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन की तुम कोशिश कर रहे हो या नहीं कर रहे हो एंड यार देखो ट्रस्ट मी ऐसी कोई चीज नहीं होती है जिसके लिए अगर तुम ऐसा पूरी कोशिश करो और वो तुम्हें ना मिले ऐसा कुछ भी नहीं होता है ठीक है अगर तुम कोशिश कर रहे हो किसी चीज को करने की किसी चीज को पाने की तो so ठीक है तो आई एम टेलिंग यू कि यार प्लीज एक बार इस फिफ्टीन डेज चैलेंज को फॉलो करके देख लो देखो यार अगर तुम्हें तुम्हें ईयर एंड में जाकर बोलूंगी मार्च या अप्रैल में कि सिलेबस पूरा करो नोट्स बनाओ तो ऑब्वियसली वो नहीं हो पाएगा मेरे को तो ये समझ नहीं आता है कि तुम लोग ऐसा मार्च अप्रैल में जाके पूछते क्यों हो कि हम क्या करें कि हमारा नीट क्लियर हो जाए ऑब्वियसली यार एक बंदा जो स्टार्टिंग से पढ़ रहा है एंड तुम अप्रैल में पढ़ना शुरू कर दो कैसे हो पाएगा तुमने पूरे साल नहीं पढ़ा एंड तुम सोच रहे हो कि अप्रैल में तुम्हारे पास कोई अलग ही सुपर पावर आ जाएगी एंड तुम्हारा हो जाएगा सिलेक्शन जो ऐसे नहीं होता है बच्चे तुम्हें पढ़ना पड़ेगा स्टार्टिंग से ही पढ़ना पड़ेगा एंड अभी तुम्हारे पास आठ नौ महीने हैं फिफ्टीन डेज चैलेंज को करके देखो ठीक है मैं तुम्हें बता रही हूँ बहुत जल्दी तुम्हारा पूरा सिलेबस पूरा हो जाएगा नोट्स भी बन जाएंगे तुम टेस्ट भी दे दिए होंगे जो पार्ट टेस्ट होते हैं तुम्हारे एंड उसके बाद जब तुम्हारे पास सारे नोट्स असेंबल हो जाएंगे तुम उन नोट्स की कंप्लीट रिविजन करना कंप्लीट टेस्ट देना जो कि तुम्हारे टेस्ट होंगे एंड एवरीथिंग विल बी डन ये चीज़ मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ बायो के अंदर तुम्हें कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है मार्केट इन योर बुक्स ठीक है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के अंदर नोट्स बनाने हैं फिजिक्स की तो तुम्हारी एक सेपरेट फॉर्मूला शीट बन जाएगी केमिस्ट्री के अंदर दो चीजें बनेंगी एक तुम्हारी फॉर्मूला शीट बनेगी एंड एक तुम्हारे रिएक्शन की शीट बनेगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन की शीट बनेगी एंड जो जो बच्चे इस फिफ्टीन डेज चैलेंज को ले रहे हैं एक्सेप्ट कर रहे हैं मुझे कॉमेंट बॉक्स में बता के जरूर जाना एंड जब तुम्हारा चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा तब भी मुझे आगे बताना की कैसा रहा तुम्हारा आउटपुट